बेस्ट लैपटॉप अंडर 25,000 रुपीज़। देखो, अगर आपका बजट जो है 25,000 रुपए का है, यानी कि आप एक बजट सेगमेंट के अंदर में रहते हुए लैपटॉप खरीदने का सोच रहे हो, तो आपको जो है बहुत ही सोच समझ के समझदारी से लैपटॉप को खरीदना चाहिए। क्योंकि जैसे भी आपको भी पता है कि हम एक बजट सेगमेंट के अंदर में रहते हुए हम लैपटॉप को खरीदने जा रहे हैं, तो हमको ये देखना है कि हमको कम से कम प्राइस में सबसे अच्छा कॉन्फ़िगरेशन कौन सा लैपटॉप हमको ऑफ़र करता है। बहुत बार ये देखा जाता है कि लोग जो है कम बजट के सेगमेंट वाला लैपटॉप खरीद तो लाते हैं, लेकिन ख़रीदने के बाद कुछ महीने के बाद वो हैंग होना शुरू हो जाता है, बैटरी बैकअप अच्छा से नहीं देता है, बहुत ही स्लो हो जाता है। तो फिर अगर आप भी 25,000 रुपये के अंदर में एक पैसा वसूल लैपटॉप लेना चाहते हैं, तो फिर इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। इस वीडियो में हमने बेस्ट लैपटॉप अंडर 25,000 जो भी है टॉप 5 वाले बेस्ट लैपटॉप वो हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। यानी कि अगर आपको लैपटॉप लेना है, 25,000 रुपये आपका बजट है, तो ये 5 लैपटॉप के बारे में बताऊँगा। सभी लैपटॉप को आपको जो है शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को देखना है, हर लैपटॉप के बारे में देख लो, जानकारी ले लो, और आपके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके अपने नीड के हिसाब से जो सबसे बेस्ट लैपटॉप लगता है उसको आप खरीद लो, जिससे कि आपको इन फ्यूचर जाके कोई भी आपको परेशानी आपको ना आए। फिफ्थ नंबर पर जो लैपटॉप है वो है लेनोवो की तरफ से आने वाला लैपटॉप है, और इस लैपटॉप को लेने का खास वजह ये है कि इस लैपटॉप में आपको जो है बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि देखो, बहुत लोग जो होते हैं, ज़्यादातर लोग जो है पढ़ाई लिखाई के लिए या फिर ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन टीचिंग के लिए लैपटॉप लेते हैं, जिनमें जाहिर सा बात है बैटरी बैकअप अच्छा चाहिए होता है, तो उनके लिए ये वाला लैपटॉप वन ऑफ द बेस्ट है। अच्छा कॉन्फ़िगरेशन के साथ, अच्छा बैटरी बैकअप के साथ आपको ये लैपटॉप 25,000 रुपये के अंदर में आपको ये मिल जाए। लेनोवो की तरफ से आने वाले इस लैपटॉप में अगर डिस्प्ले की बात करें तो 15.6 इंच का डिस्प्ले है। प्रोसेसर इसमें AMD की तरफ से आने वाला 3020E का प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है। 4GB का रैम और स्टोरेज के लिए आपको 1TB का हार्ड डिस्क ड्राइव इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। बैटरी बैकअप 9 घंटे तक का आपको आराम से मिल जाएगा, और इसमें आपको पहले से ही विंडोज 10 प्री इंस्टॉल मिल जाएगा। फोर्थ नंबर पर जो लैपटॉप है वो भी लेनोवो की तरफ से आने वाला लैपटॉप है, और इस लैपटॉप को लेने का खास वजह यह है कि इस लैपटॉप में आपको जो है प्रोसेसर बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ इस लैपटॉप में आपको जो है विंडोज 10 आपको प्री इंस्टॉल आपको नहीं मिलेगा, यानी कि ये डॉस मोड में आपको मिलेगा। आप चाहें तो आप किसी लोकल शॉप में जाके आप जो है विंडोज 10 इसमें जो है इंस्टॉल करवा सकते हैं, बहुत ही सस्ते प्राइस में हो जाता है। बहुत लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई अगर मैं डॉस वर्जन वाला लैपटॉप लूँगा तो भाई इसमें विंडोज 10 कैसा होगा, जेन्युइन होगा नहीं होगा, अच्छा काम करेगा नहीं करेगा, यकीन मानो कुछ नहीं होता। लोकल किसी दुकान में जाओ, आपको जो है बहुत ही सस्ते में वो आपको जो है विंडोज 10 इंस्टॉल कर देगा, और यकीन मानो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। लेनोवो की तरफ से आने वाले इस लैपटॉप में डिस्प्ले की बात करें तो 15.6 इंच का डिस्प्ले है। प्रोसेसर इसमें AMD की तरफ से आने वाला 3050U का प्रोसेसर है। 4GB का रैम और स्टोरेज के लिए इसमें 1TB का हार्ड डिस्क ड्राइव दिया गया है। बैटरी बैकअप इसमें आपको 6 घंटे तक आपको आराम से मिल जाएगा। अगर इस लैपटॉप में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये डॉस मोड में आता है, यानी कि आपको विंडोज 10 आपको जो है बाहर से इंस्टॉल आपको करवाना पड़ेगा। थर्ड नंबर पर जो लैपटॉप है वो है अविता की तरफ से आने वाला लैपटॉप है, और इस लैपटॉप को लेने का खास वजह यह है कि कम बजट सेगमेंट में इसमें आपको जो है SSD ऑफर होता है, जो कि लो बजट सेगमेंट में जितने भी लैपटॉप देखोगे उसमें ज़्यादातर आपको जो है हार्ड डिस्क ड्राइव लगा हुआ आता है, लेकिन अविता के इस लैपटॉप में आपको जो है SSD के साथ आपको ये लैपटॉप आपको देखने को मिलेगा। अविता की तरफ से आने वाले इस लैपटॉप में आपको जो है बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा, प्लस इसके साथ साथ इसमें आपको जो है 2 साल की वारंटी मिलती है, जो कि ये देखोगे इस प्राइस सेगमेंट में देखोगे तो किसी भी और लैपटॉप में आपको जो है 2 साल की वारंटी नहीं मिलती है, ज़्यादातर आपको 1 साल की मिलती है। तो अगर आप एक ऐसा लैपटॉप लेना चाहते हो जो कि बजट सेगमेंट के अंदर में अच्छे कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपको जो है 2 साल की वारंटी ऑफर करता है, तो बेशक आपको जो है अविता की तरफ से आने वाले इस लैपटॉप को आपको जो है लेना चाहिए। अविता की तरफ से आने वाले इस लैपटॉप में अगर डिस्प्ले की बात करें तो 14 इंच का डिस्प्ले है। प्रोसेसर इसमें इंटेल की तरफ से आने वाला N4020 का प्रोसेसर है। रैम इसमें 4GB का और स्टोरेज के लिए आपको 256GB का SSD इसमें लगा हुआ है। बैटरी बैकअप इसमें आपको 6 घंटे तक का आपको आराम से मिल जाएगा, और उसमें पहले से ही आपको जो है विंडोज 10 प्री इंस्टॉल आपको मिलता है। सेकेंड नंबर पर जो लैपटॉप है वो है एसर की तरफ से आने वाला लैपटॉप है, और ये लैपटॉप बहुत ही स्लिम और हल्का ये लैपटॉप है,
और ये लैपटॉप को लेने का सबसे खास वजह ये है कि जो लोग स्टूडेंट हैं या फिर वो पढ़ाई लिखाई करते हैं या फिर ऑनलाइन क्लास करते हैं, ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं या फिर ऑनलाइन वाले ज़्यादा काम करते हैं, तो उनके लिए ये लैपटॉप वन ऑफ द बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि इसमें आपको जो है वाईफाई 5 का सपोर्ट इसमें देखने को मिलेगा, यानी कि इसमें आपको इंटरनेट का कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छा मिलेगा। बहुत बार देखोगे जब भी हम इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं या फिर ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन टीचिंग ये सब करते हैं, तो उसमें देखोगे सिग्नल ड्रॉप होता है, सिग्नल ब्रेक होता है। लेकिन अगर आपके लैपटॉप में जो है वाईफाई 5 का सपोर्ट है तो आपका जो है इंटरनेट के कनेक्टिविटी से रिगार्डिंग कोई भी आपको इशू आपको नज़र नहीं आएगा, यानी कि आपका इंटरनेट का कनेक्टिविटी आपको जो है बहुत ही अच्छा यानी ज़बरदस्त आपको इसमें देखने को मिलेगा। एसर की तरफ से आने वाले इस लैपटॉप में अगर डिस्प्ले की बात करें तो 15.6 इंचेस का डिस्प्ले है। प्रोसेसर इसमें इंटेल की तरफ से आने वाला N5030 का प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है। 4GB का रैम और स्टोरेज के लिए 1TB का हार्ड डिस्क ड्राइव इसमें लगा है। बैटरी बैकअप इसमें 6 घंटे तक आपको आराम से मिल जाएगा और इसमें आपको पहले से ही विंडोज 10 प्री इंस्टॉल मिलता है। बेस्ट लैपटॉप अंडर 25,000 में नंबर 1 पे जो लैपटॉप है वो है HP की तरफ से आने वाला लैपटॉप है। और ये लैपटॉप आपको क्यों लेना चाहिए ये जान लो। अगर आपका बजट 25,000 रुपये का है और 25,000 रुपये के अंदर में एक अच्छे ब्रांड के साथ वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप लेना चाहते हो तो बेशक आपको जो है HP वाला ये लैपटॉप आपको लेना चाहिए। देखो आज के डेट में आपको भी पता है कि 25,000 रुपये के आसपास में जो भी लोग जो लैपटॉप लेते हैं वो ज़्यादातर देखोगे स्टूडेंट होते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए लेते हैं या फिर वर्क फ्रॉम होम जो काम जो होता है उनके लिए वो लेते हैं। तो ऐसे में आप ज़्यादातर देखोगे हमको जो है जब ऑनलाइन आना होता है तो हमको वेबकैम का जो क्वालिटी होता है वो अच्छा होना चाहिए। तो इस लैपटॉप में आपको जो है कैमरा का जो क्वालिटी है वो हाई डेफिनेशन वाला कैमरा इसमें लगा हुआ है, यानी कि कैमरा जो है बहुत ही अच्छा है, यानी कि जिससे कि आपका जो मीटिंग होता है या फिर ऑनलाइन क्लासेस करते हो या फिर स्टूडेंट को पढ़ाना होता है या फिर पढ़ना होता है, यानी क्वालिटी आपको जो है आपको ज़बरदस्त आपको मिलने वाला है। प्लस इसके साथ साथ इसमें जो है डुअल माइक्रोफोन का सपोर्ट है। ज़्यादातर देखोगे नॉर्मल लैपटॉप में मान लो जैसे कि हम जो जब हम बात करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं तो हमारी आवाज़ जो है उन तक सही से नहीं जा पाती है या फिर थोड़ा इको होकर उनके पास साउंड जाता है। लेकिन अगर आपके लैपटॉप में अगर डुअल माइक्रोफोन है तो आपका जो है आवाज़ जो है बहुत ही अच्छा उनको यानी सामने वाले के पास बहुत ही अच्छा क्लियर बहुत ही अच्छा आवाज़ जाएगा। तो बहुत लोग जो अगर टीचर हैं जो अगर आप जो है स्टूडेंट को पढ़ाते हो या फिर घर से ही अगर आप जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस करना चाहते हो और आप चाहते हो कि नहीं मेरा आवाज़ जो है बहुत ही अच्छा सुनने को मिले सामने वाले को, तो बेशक आप जो है बजट सेगमेंट के अंदर में इस लैपटॉप को आपको जो है कंसिडर आपको करना चाहिए। प्लस इसके साथ साथ आपको इस लैपटॉप में आपको जो है USB टाइप सी का सपोर्ट मिलता है, जिससे कि आपको जो है डेटा ट्रांसफर रेट बहुत ही फास्ट हो जाता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि पढ़ाई लिखाई के लिए ये लैपटॉप लेते हैं जिनको जो है 10GB 15GB का फाइल जो है ट्रांसफ़र करना पड़ता है, तो इस लैपटॉप में आपको जो है USB टाइप सी का सपोर्ट इसमें देखने को मिलेगा, जिससे कि जो भी डेटा आप ट्रांसफ़र करोगे बहुत ही फास्ट होगा। मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप में या फिर लैपटॉप से मोबाइल फ़ोन में जो भी करोगे तो उसका जो है ट्रांसफ़र रेट बहुत ही अच्छा आपको मिलने वाला है। प्लस इसके साथ साथ इसमें आपको बैटरी बैकअप भी बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। HP की तरफ से आने वाले इस लैपटॉप में अगर डिस्प्ले की बात करें तो 15.6 इंचेस का डिस्प्ले है। प्रोसेसर इसमें AMD की तरफ से आने वाला 3020E का प्रोसेसर है। 4GB का रैम और स्टोरेज के लिए 1TB का हार्ड डिस्क ड्राइव इसमें लगा हुआ है और बैटरी बैकअप इसमें आपको 9 घंटे तक का आपको आराम से आपको मिल जाएगा और इसमें आपको पहले से ही विंडोज 10 प्री इंस्टॉल मिल जाता है।